नमस्ते, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं न्यूज 9X। आज 8 अक्टूबर 2019 है। 8 अक्टूबर 2019 की बड़ी खबरें क्या है? जम्मू कश्मीर में 10 अक्टूबर से पर्यटकों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने गृह विभाग के एडवाइजरी को हटाने का निर्देश दिया है। लोजपा नेता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान अचानक बीमार पड़ गए। उन्हें सांस लेने में कठिनाई हो गई। उन्हें दिल्ली के स्कॉट्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसा है। उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट कर नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी ने अपने पहले ट्वीट में आरोप लगाते हुए कहा कि हमारी समावेशी राजनीति के लिए धर्मनिरपेक्षता एवं समाजवाद एक जीवन पर्यंत प्रतिबद्धता है, लेकिन नीतीश चाचा ने कुर्सी के लिए हमेशा इस विचार के लिए छल किया। बिहार के पूर्णिया जिले के कस्बा प्रखंड के एक पंचायत में ग्रामीणों ने वैसे लोगों के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होने का फैसला लिया है जो शराब पीकर मरेंगे, यानी जिंदा से लेकर मरने तक शराबियों का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर थाना क्षेत्र के बड़जी चौक के समीप रोड क्रॉस कर रहे छात्र अभिषेक कुमार को ट्रक ने कुचल डाला। इस घटना को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने रोड पर जमकर बवाल काटा। मुजफ्फरपुर जिले के चढ़ुआ गांव की एक गर्भवती महिला ने अपने दो बच्चों संग चलती ट्रेन से कटकर जान दे दी। इस घटना में तीनों के टुकड़े टुकड़े हो गए। पटना समेत बिहार के कई जिलों में डेंगू ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। पूरे राज्य के विभिन्न जिलों में अब तक कम से कम 800 डेंगू के मरीज मिले हैं। शेखपुरा के कुरौनी गांव में एक शराबी पिता ने 16 दिन की नवजात बेटी को जमीन पर पटक कर मार डाला। पुलिस ने हत्यारे पिता को गिरफ्तार कर लिया है। कटिहार जिले के नारायणपुर पंचायत के बोचाही आदिवासी टोला के 5 बच्चे नदी में स्नान करते वक्त डूब गए। इस घटना से गांव में सन्नाटा पसर गया। मृतकों में 2 लड़कियां और 2 लड़के हैं। भागलपुर में सृजन घोटाले के मामले में सीबीआई ने आरोपी मनोरमा देवी के बेटे और बहू को फरार घोषित करते हुए उनके घरों पर इश्तेहार चिपका दिया। सीबीआई ने कहा है यदि 30 दिनों के अंदर ये गिरफ्तार नहीं होते हैं तो इनके घर कुर्की जब्ती की जाएगी। छपरा के ओलहनपुर में बम बनाने के दौरान बम विस्फोट कर गया और बम निर्माता मोहम्मद शहादत हुसैन की मौत हो गई। इस घटना से इलाका थर्रा गया। गया में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बंद घर से चोरी में 3.5 लाख की चपत चोरों ने लगाई थी। उक्त आशय का आवेदन थाना में दिया गया है। मुंगेर जिले के जमालपुर में एक ट्रक की चपेट में आने से एक वृद्ध की मौत हो गई। वह घर से मेला देखने निकला था। मृतक का नाम मुनिलाल तांती बताया गया। मुंगेर के जमालपुर में ट्रक और कार के आमने सामने के टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में बांक गांव के व्यास यादव और खड़गपुर के प्रशांत कुमार हैं। जिले के बी कोठी प्रखंड के परसा गांव में नाबालिग से शादी रचाने आए लड़का को ग्रामीणों ने शादी से रोक दिया। ग्रामीणों को इसमें कुछ गड़बड़ लग रही थी। पूर्णिया जिले के रुपोली प्रखंड अंतर्गत ढीबू टोला में ठनका गिरने से 2 मवेशी मर गया। इस घटना में एक महिला बेहोश हो गई। जिले में 27 अक्टूबर को आवास योजना के लाभुकों को गृह प्रवेश कराया जाएगा। सरकारी निर्देश के बाद अधूरे आवास को पूरा करने का काम तेजी से किया जा रहा है। 27 अक्टूबर डेडलाइन है। लखीसराय जिले के किशनपुर में मिट्टी की दीवार वर्षा के दौरान गिर गई। इस हादसे में बुलबुल देवी और उसका पुत्र गौरव कुमार घायल हो गया। जमुई जिले के चकाई से एक घर में छापामारी कर पुलिस ने शराब बरामद किया है। बगहा के खड़वा टोला गांव के पास वन विभाग व एसएसबी के टीम ने जंगली जानवरों की हड्डी के साथ एक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये थी बिहार की 21 बड़ी खबरें। खबरें कैसे लगी? अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अगर हमारा ये वीडियो आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर हमारा ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज 9X सब्सक्राइब करें।